सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ केसर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको जनरल नॉलेज कराने वाला हूँ। हमारा जनरल नॉलेज का फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट हो गया था, ये सेकंड पार्ट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखो, हमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने जो पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले भारत का इतिहास पढ़ा था। भारत का इतिहास तीन भागों में बटा हुआ है, एक है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमने सबसे पहले प्राचीन भारत को पकड़ा था। प्राचीन भारत के अंदर हमने चार ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, एक तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने करा विदेशियों का ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ, इन दोनों को हमने लेके चला था। इसके अंदर हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, जो चार वेद हैं वो कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वेद। तो देखो, हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वेद अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की सबसे पहली डेफिनेशन ये है, ये ना क्रमबंध मतलब ज्ञान का संग्रह है। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जानते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे बुकों का संग्रह होता है ना, काफ़ी सारी बुकों का ग्रुप होता है, संग्रह मतलब होता है ग्रुप। ऐसे ही ये क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद जो है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या मिलता है, इसमें आपको कम से कम 10 मंडल देखो, इसमें क्या है, जो ऋग्वेद है इसमें आपको 10 मंडल मिलते हैं, उसके बाद 1025 सूतक मिलते हैं और 1642 ऋतचाएँ मिलती हैं, ठीक है, इसे ऋग्वेद के अंदर आपको। और जो इन जो ऋतचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले को, जो ये ऋतचाओं को पढ़ता है, ठीक है, उसको होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, जो इन ऋतचाओं को पढ़ता है उसको होर्त कहा जाता है, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई, जो हमारा ऋग्वेद है ना, उससे हमें क्या क्या पता लगता है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है ये, जिससे हमें जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो आर्य सभ्यता आई थी ना, उसकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी इसी से पता लगता है, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा कि भाई, जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसमें कई सारे मंडलों का आपने देखा है कि बताया गया है इसमें कई सारे मंडलों के बारे में, लेकिन जो ये जो 10 मंडल है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या इसके में सबसे इम्पोर्टेंट कौन से मंडल हैं और कौन सी डेट्स हैं। देखो गाइस, इसमें क्या है कि जो हमारा 10 मंडल है, इसके जो तीसरा मंडल है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो ये तीसरा मंडल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, सो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, जो हमारे तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता जिनको सावित्री कहा जाता है, उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना करी थी ऋग्वेद से ही, और उन्हीं से उनकी अब पूजा होती है गायत्री मंत्र से। आपको ठीक है गाइस, देखो जो इसके 10 मंडल है, 10 में से जो थर्ड मंडल है उसमें जो सूर्य देवता हैं उनके लिए जो सावित्री नाम है जिनका, उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आगे क्या था, इसके जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, इसके जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। अब हम आगे चलेंगे। सो देखो आगे गाइस क्या है, इसमें देखो इसके जो आगे है वो 8वां मंडल है। 8वें मंडल में इसमें क्या बताया, जो 8वां मंडल है इसका, 8वें मंडल में क्या हुआ है कि जो हाथ से लिखी ऋतचाएँ हैं, मतलब हस्तलिखित ऋतचाएँ, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई ऋतचाएँ हैं, ठीक है, उन हाथ से लिखी ऋतचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। सो मैं ये भी आपके यहाँ लिख देता हूँ,
ठीक है गाइस, जो ये हमारा आठवां मंडल है उसमें हाथ से लिखी ऋतचाएं हैं, जिसको क्या कहा जाता है, खेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे मुझे ये सारा रब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जिनको आप ये याद रखना, जो हाथ से लेकर ऋतचाएं उसको होती है, उसको खिल कहा जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। सो गाइस देखो, इसमें क्या है, जो ऋग्वेद है इसमें कुछ हमारे जो पुरुष सूतक पेटक बताए गए हैं उनमें क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, जिनको हम समाज जिनको किस दृष्टि से देखता है, जो ब्राह्मण है उसको मुख की नज़रों से देखता है, ठीक है, जो क्षत्रिय है उनको भुजाओं की, जो वैश्य है उनको जंघाओं की, और जो शूद्र है उनको चरणों की नज़र से देखते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो धर्म सूत्र है इसमें इनको क्या क्या नाम दिया गया है, जो ब्राह्मण है उनको स्थितियों का, क्षत्रिय है उनको व्यवसायों का, वैश्य हैं जिनको दायित्व का, और जो शूद्र है उनको कर्तव्यों का दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही है और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। और इसमें सिर्फ हाँ एक बात और बताई गई है कि जो इंद्र हैं उनको 250 और जो अग्नि हैं उनको 200 ऋतचाओं का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है, उसमें लिखी हुई है उनके लिए। सो गाइज इसमें सिर्फ ऋग्वेद में सिर्फ इतना ही है, जो हमारा यजुर्वेद आएगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।